हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो ये हमारी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है स्टॉक एनालिसिस की, उसकी वीडियो नंबर 4 है। और आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा मेन टारगेट है कि जो कंपनी हमने जो पहले ले रखी है, एज एग्जाम्पल ली थी श्री रॉयल सीमा लिमिटेड, उसकी हम आज जाके उसकी वेबसाइट से जितनी भी डिटेल्स हो सकेगी उसको लेने उसको यानी कि उसको लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम उनकी वेबसाइट पता चल सकते हैं। क्योंकि कंपनी की वेबसाइट से अगर कैसे, पहले तो हम देख ही समझ जाएंगे कि अगर वेबसाइट अच्छे से मेंटेन हो रही है, मतलब कंपनी वेबसाइट पे अच्छा खासा ध्यान देती है, मतलब कंपनी में मैनेजमेंट अच्छा होता है। दूसरा ये चीज़ होती है कि अगर हम वेबसाइट चेक करते हैं तो हमें बहुत सारी जो डिटेल्स होती है, कंपनी अपनी वेबसाइट पे एक एक चीज़ डिटेल देती है, क्योंकि इससे क्योंकि वो जानती है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर भी होगा तो उनकी वेबसाइट पर ही जाता है। तो हमें तो एज अ फंड हमको तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उनकी वेबसाइट में जाना, तो हम उससे वहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये लोग कौन सी सर्विस सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, इनका क्या भी रेवेन्यू उन्हें क्या चले। जैसे हमने इसकी सारा सारा का सारा हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपने पहले की हमारी तीनों वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे कैसे किसी भी स्टॉक को एनालाइज एनालाइज करते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इस वीडियो में भी सिंपल सा मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा तो मेन टारगेट है कि मैं इस कंपनी की पूरी वेबसाइट पढ़ूंगा, वेबसाइट में एक एक डिटेल पढ़ूंगा और आपके साथ पढ़ूंगा। आप भी आपका मन हो तो आप भी इसकी वेबसाइट की डिटेल्स इसकी पढ़ सकते हो, अगर नहीं हो तो आप किसी और कंपनी की वेबसाइट खोलना और उसको स्टडी करना है। लेकिन मेन काम, जैसे मैंने पहले भी कहा है और अभी कह रहा हूँ, मेन काम स्टॉक मार्केट में सिर्फ पढ़ने का ही होता है। सबसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा, बिजनेस को समझिए, इंडस्ट्रीज़ को समझिए, तब आप आसानी से बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक पिक कर पाएंगे। मेरा तो मेन टारगेट यही है कि मुझे अच्छे से अच्छे बिजनेस पिक करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी तो अच्छी, क्योंकि मैं जानता हूँ कंपाउंडिंग कि जो रियल पावर है वो मैं देख चुका हूँ, मैं उसे अच्छे खासे लेवल पे समझता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा खासा रिटर्न ला पाया और अगर मैंने 30-40 साल तक ये रिटर्न लाई तो अच्छा खासा आप मनी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो। मनी आपका टारगेट है, टारगेट सबका ही मनी होता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में हम इसे ग्रो करते जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप इस साल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना पैसा बना पाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट से ही आप इतना पैसा बना सकते हो जिसने कभी शायद आपकी पूरी फैमिली में किसी ने कमाया हो। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत फैंसी टर्म है इसलिए स्टॉक मार्केट में, नहीं, इसमें स्टॉक मार्केट में सिंपल सा फंडा यही काम करता है ना कि आप एक देश की इकोनॉमी में पैसा लगाते हो, देश को ग्रो करने के लिए आप पैसा देते हो। आप किसी कंपनी का अगर शेयर खरीदते हो तो आपने उसे पैसे दिए हैं कि आप मेरे पैसे लो, अपने बिजनेस में लगाओ और अपने आप को ग्रो करो। और जब वो कंपनी ग्रो करती है तो अगर आपको और आपकी जब उसको प्रॉफिट होगा, उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, उसको उसका सेल्स बढ़ेंगी, जिससे उससे उसके क्या होते हैं, उसकी मार्केट कैप बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उससे आपको प्रॉफिट होता है। तो इससे क्या होता है, जब आपकी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करता है। सिंपल से स्टॉक मार्केट में होता है कि आप देश की इकोनॉमी में पैसा लगाते हो। और इंडिया पे मुझे तो पूरा भरोसा है, मैं जानता हूँ आपको भी पूरा भरोसा, क्योंकि अभी ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट का गोल्डन एरा चल रहा है। क्योंकि अभी कह सकते हो अब हम लोग जो पर कैपिटा जो इनकम है 2000 डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें अब नॉर्मल जितनी भी बेसिक नीड है वो पूरी हो सकी हो जाती है। तो आप जब आपकी नॉर्मल बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो आप डिमांड करना शुरू करते हो। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को देखना जिसमें आप लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा डिमांड रह सकती है, तो वही कंपनी में यहाँ अच्छी लेवल की कंपनी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी कंपनी होती है जिसमें एक एक हफ्ते, डेढ़ डेढ़ हफ्ते आप पढ़ो और उसका ऐसा रिजल्ट आता है कि शायद उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट ना करो। तो क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें आप कंसिडर नहीं कर, थोड़े बुरे होते हैं, थोड़े से कह सकते हो बहुत कंपनी के हार्मफुल हो सकते हैं। तो यही होता है इन्वेस्टमेंट में, कभी कभी आप ऐसा होगा कि आप पूरे एक महीने तो कोई स्टॉक पढ़ते जाओगे और आखिरी में आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कहीं प्रमोटर की दिक्कत आ जाएगी, कहीं यहाँ रेवेन्यू की दिक्कत आ जाएगी और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओ। तो इन्वेस्टमेंट यही है, पढ़ते रहना, हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हम उतने अच्छे बिजनेस पिक कर पाएंगे। तो चलिए अब आज की वीडियो में जो मैंने आपसे बोला कि हम लोग श्री लाल सीमा की वेबसाइट को पूरा एनालाइज करेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी देर की होने वाली है, लेकिन जब तक पूरी वेबसाइट मैं पढ़ नहीं लेता तब तक तो वीडियो रहेगी, तब तक आप भी मेरे साथ बैठ के पढ़ते रहना। और अगर कोई आपको डाउट हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे कोई भी हेल्प होगी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ लेकिन तब भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो ये मैंने इसकी वेबसाइट पहले से ही खोल के रखी थी। तो हमारी जो वेबसाइट है, जैसा कि मैंने देखा, श्री रायलसीमा हाइसेन हाइको लिमिटेड। अब क्या है पहला, ये देखो ये बता रहे हैं कि इनका मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, जैसे हम जानते हैं केमिकल्स बनाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, अच्छा इनके क्या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड बाय केमिक केमेक्सिल
फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रीइंफोर्स्ड इट्स स्टेटस एज अ रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट हाउस। एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा अच्छा ये इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज का इन्हें अवार्ड मिला है 2019 में। ठीक है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका इनके पास सर्टिफिकेट है। और ये क्या क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और क्लोरो सल्फोनिक एसिड, क्लोरोमाइन, प्यूरी क्लोर, ओलियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड और SDIC, हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम सल्फेट, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेथोक्साइड पाउडर, सोडियम मेथोक्साइड सोल्यूशन, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल से अच्छी खासी डिमांड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की काफ़ी डिमांड होने वाली है, सल्फ्यूरिक एसिड की भी रहने वाली है। अब क्या है ये ग्रुप के बारे में क्या लिखते हैं, अभी ग्रुप के बारे में क्या लिखते हैं कि श्री रायलसीमा हाई एंड हाइपो लिमिटेड अडेयर टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। इनके पास सारे जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो सारे इनको मिल चुके हैं ISO द्वारा। और जो TGV ग्रुप है, TGV ग्रुप इज वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैनुफैक्चरिंग एक्सपोर्ट पायनियर इन प्रोड्यूसिंग केमिकल एंड अल्कलाई प्रोडक्ट। ये ऐसे ऐसे पहले प्लेयर थे जिन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया था केमिकल और अल्कलाई प्रोडक्ट। अच्छा, और ये इनकी कंपनी की थोड़ा इन्होंने अपनी मैनुफैक्चरिंग के लिए फ़ोटो लगा रखी है। ये इनके कुछ रीसेंट प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ हैं, जैसे ये है क्या इंडस्ट्री ने जहाँ पे इनके कुछ केमिकल एम्पल्स बन रहे हैं, स्टोरेज स्टोरेज से कुछ लग रहा है। देख सकते हैं कि इनको ISI, ASTM, कैनेडियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन वाटर वर्क एसोसिएशन सबका रिकॉग्निशन मिल चुका है, मतलब ये काफ़ी समय से यहाँ पे हैं। तो इनके अबाउट सेक्शन में जाते हैं, अबाउट इंडस्ट्रियल श्री रायलसीमा हाई एंड हाइपो लिमिटेड। श्री रायलसीमा हाई एंड हाइपो लिमिटेड इज टॉर्च पर ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप थ्रू इन हाउस आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट है द कंपनी मैनुफैक्चरिंग द सोडियम डाइक्लोसोसाइन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साइनेचुरेट SDIC। अच्छा, इनको द सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वॉज अवॉर्डेड बाई केमेक्सिल फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस रीइंफोर्सेस स्टेटस एज अ रिकॉग्नाइज एक्सपोर्ट हाउस। श्री रायलसीमा हाई एंड हाइपो लिमिटेड हैज़ अ डिस्टिंक्टिव एज इन द मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चर ऑफ दिस प्रोडक्ट थैंक्स टू द ट्विन एडवांटेज ऑफ इंडिजीनियस रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। इनके पास दो मेन एडवांटेज है, पहला इनका एडवांटेज है कि इनको जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ये इनको कहीं पर इंडिया में ही मिल जाता है। दूसरा है सप्लाई ऑफ सम स्पेसिफाइड केमिकल बाय श्री रायलसीमा अल्कलाइज एंड अलाइड कंपनीज। और बहुत सारे जिनको केमिकल यूज होते हैं इनकी अलाइज कंपनी थी जो इनको पहुँचा देती है। जैसे हमने देखा था इनकी दो सब्सिडीज कंपनी है, द कंपनी इज ऑल्सो फोर फ्रंट रैंकिंग प्रोड्यूसर ऑफ, ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर में आती है मोनोक्लोर एसिटिक एसिड में मैनुफैक्चर बाय द साइंटिफिक क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजी। द प्रोडक्ट मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड इज यूज बाई ऑल द लीडिंग मैनुफैक्चर ऑफ नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इनका थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। तो इन्होंने फिर ये बात वहाँ से दोबारा लिखी कि श्री रायलसीमा है हाइपो लिमिटेड जो कंपनी है टॉर्च फेयर इन द कॉन्ग्लोमरेट एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड है जो ऐसे केमिकल्स बनाती हैं। द स्टेट ऑफ आर टेक्नोलॉजी डेवलप थ्रू इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर कंपनी इन मैनुफैक्चर ऑफ सोडियम डाई सिंपल इसका SDIC शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। और इनको केमेक्सिल द्वारा इनको अच्छा अवार्ड मिला है, ये बात हम पहले भी यहाँ पढ़ चुके हैं। और ये श्री रायलसीमा हाई एंड हाइपो लिमिटेड एज अ डिस्टिंक्ट एज इन मैनुफैक्चरिंग, क्योंकि इनको मैनुफैक्चरिंग ज़्यादा एज मिलता है। क्यों, पहली चीज़ इनको जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है इनकी खुद की कंपनीज मिल जाती है, इनको जो केमिकल्स लगते हैं ये भी इनको इनके खुद की कंपनीज इंडिया में ही मिल जाते हैं।
इनका इससे क्या होता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव मिलती है, मतलब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो सेम केमिकल्स बनाती है लेकिन उनके पास उसे उस केमिकल बनाने में 100 रुपये लगते हैं, तो मानिए वो उस केमिकल बनाने में इनको ये 70 रुपये 80 60 रुपये में बना लेते होंगे। अब मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लें, तो फाउंडर इनके जो टी जी वेंकटेश हैं, इनके जो ग्रुप इस कंपनी के फाउंडर टी जी वेंकटेश हैं, डायनेमिक एंड वर्सेटाइल मिस्टर टी जी वेंकटेश, हेड ऑफ द जो टी जी वी ग्रुप के हेड हैं, विद एन एंटरप्रेन्योर, इनका जो करियर है 3 डिकेड मतलब 30 सालों से ज़्यादा है। ही हैज़ फोकस हिज नॉलेज ऑन इनोवेशन एंड सेटिंग बेंच मार्क, असाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ हिज फ्यूरिस्ट फ्यूरिस्ट की फ्यूरिस्टिक माइंड इन द पाइनियर ऑफ द बाईपोलर मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी, इन द मैनुफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा एनालाइट प्रोडक्ट। इन्होंने बाईपोलर मेम्ब्रेन सेल टेक्नोलॉजी डेवलप करी जिससे ये कॉस्टिक सोडा और इससे जुड़े प्रोडक्ट इंडिया में बनाते हैं। द मोस्ट कंफर्टेबल एज अ फिलेंट्रोपिस्ट, ये फिलेंट्रोपी मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अपने यानी कि सोशल वर्क पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं एज अ फिलेंट्रोपिस्ट। टी जी वेंकटेश हैज़ एस्टेब्लिश अ होस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ही क्लोजली एसोसिएट विथ नेशनल प्रोग्राम्स फॉर वेलबींग सच एज इम्यूनाइजेशन, आई कैन फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव एंड मोर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये आगे की चीज़ें सोचते हैं, बढ़िया है। टू सेफ गार्ड द हेल्थ ऑफ इज एम्प्लॉय ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड यूनिक नो स्मोकिंग नो अल्कोहल अलाउंस, इन्होंने अपने अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने ऑफिसर्स में नो स्मोकिंग नो अल्कोहल अलाउंस देने, मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय कोई स्मोक नहीं करता अल्कोहल नहीं पीता तो उससे लोग और उसकी सैलरी हाइक और ज़्यादा करते हैं, इससे एक हेल्दी कल्चर इंडस्ट्री में इनकी कंपनी में डेवलप होता है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें पता इससे हम ये जान सकते हैं ना कि कम जो तो ओनर्स हैं जो जो इनके मालिक हैं वो चाहते हैं कि इनकी कंपनी अच्छे से मेंटेन हो, कि अच्छे से चलते, इनका ये मतलब इनका ये मेन प्रॉफिट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, इनका ये है कि सोसाइटी की ग्रोथ करते ही करते अपने एम्प्लॉय का साथ देते, क्योंकि कंपनी को चलाने वाला एम्प्लॉय ही होता है, अगर एम्प्लॉय आपका खुश नहीं रहेगा वो तो आप और वो अपने मन से काम नहीं करेगा तो आपके कहीं ना कहीं आपके सेल्स प्रोडक्शन में एफर्ट पड़ता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय पूरी तरह से खुश है वो तो और आप इस पर अच्छे से ध्यान देते हो तो वो और अपनी जो उसकी कैपेबिलिटी अगर 10 की है तो वो उसके आपको 20 का काम करके देगा, जो कि अल्टीमेटली कंपनी को ही बेनिफिट करता है। एज अ मेंबर ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली हैज ही हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर न्यूमरस सोशल इनिशिएटिव, ही वॉज ऑनर्ड एज अ जेकीस मैन ऑफ द ईयर फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन सोशल वेलफेयर, ही इज ऑल्सो रिसिपियंट ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड FICCI अवार्ड, इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड बाई किन्रा अवार्ड, विजय श्री अवार्ड, उद्योग श्री अवार्ड, राजीव रत्न अवार्ड एंड बहुत सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं, मतलब प्रमोटर्स अच्छे हैं। बेस्ट सेल टैक्स पेयर अवार्ड सेल्स, यानी कि ये अपनी कोई भी चोरी यानी कि कहते हैं ना बहुत सी कंपनी जाते होते हैं जो सेल मानो उन्होंने 10,000 करोड़ की करी लेकिन वो दिखाती है 5,000 करोड़ की जिसके उनका टैक्स कम लगे, लेकिन ये इनको अवार्ड मिल चुका है बेस्ट सेल्स टैक्स पेयर का, मतलब ये जो टैक्स करते हैं कोई चोरी मतलब अच्छे से अपना ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी, ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। द बेस्ट सेल टैक्स पेयर अवार्ड स्टैंडर्ड टेस्टिमनी टू हिज कमिटमेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, चेयरमैन टी जी भारती। अ न्यू एज विजनरी विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके, टी जी भरत कैरीज फॉरवर्ड द टी जी वी डिसिप्लिन विद अ डीप सेंस ऑफ वैल्यू। एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री रायलसीमा हाई सिनेपोल लिमिटेड टी जी वी प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड ब्रिलियंट सिक्योरिटीज लिमिटेड, ही हैज़ गार्नर्ड रिस्पेक्ट फॉर द हाइएस्ट एक्लेम इन द शॉर्ट टेन्योर, अ प्लीथोरा ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटजिक अलायंस टर्नओवर मैक्सिमाइजेशन इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टीयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, ही इज ओपन टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड शेयर हिज फादर मिस्टर वेंकटेश
अच्छा अब क्या हुआ कि जो इनके इस्टेब्लिश किए थे टीजीवी ग्रुप को मिस्टर वेंकट, ये सब उनके बेटे आ गए हैं। क्या नाम है उनका, भारती, टीजी भारती। अब वो वहाँ के सीईओ हैं कह सकते हो। टीजीवी ग्रुप इज़ बिल्ड वेरी कैपेबल लीडर, कि टीवी ग्रुप को बड़ी बहुत ही कैपेबल लीडर्स ने बनाया था, हु हैव बीन एसोसिएटेड सिंस उसके जो उसके शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज एन एक्सेप्शनल स्ट्रेटजिस्ट, ऑलवेज इनविजन बिग पिक्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, बी इट द चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन देयर रिस्पॉन्डिंग फील्ड, टुगेदर आर टीम ऑलवेज स्ट्राइव टू गिव देयर बेस्ट। इससे मुझे इतना पता चला मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है इसका। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट देखा जाए तो इनको नेशनल अवार्ड फॉर यूनिटी सेफ्टी साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल अवार्ड फॉर सेफ्टी, नेशनल अवार्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन का अवार्ड मिल चुका है। देख सकते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, जो कि हमें इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब इनका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी देखें, श्री रालजी में हाइजीन आईपो लिमिटेड हैज़ इन्वॉल्व इटसेल्फ फॉर अ डिकेड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन, वाटर ट्रीटमेंट एंड प्योरिफिकेशन। ही हैज़ कॉन्स्टेंटली रेज इट्स स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स एंड टूडे इट्स सर्व एज अ ग्लोबल बेंचमार्क एंड इट सर्व एज अ ग्लोबल बेंच मार्क इन वाटर प्योरिफिकेशन। अ स्टेट ऑफ आर टेक्नोलॉजी डेवलप सो इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेल्प द कंपनी टू मैन्युफैक्चर एस डी आई सी। श्री रायलसीमा हाइज लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड कैपेसिटर एंड ऑल्सो यूज स्टीम फॉर रेफ्रिजरेशन टू कंजर्व एनर्जी। कंपनी इज ऑल्सो कंपनी इज ऑल्सो फोर फ्रंट रैंकिंग प्रोड्यूसर ऑफ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड मैनुफैक्चर बाई साइंटिफिक क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट विद इंटरनेशनल क्वालिटी, मैनेजमेंट टॉप नॉच अवार्ड है। जिससे हमें पता चलता है कंपनी अच्छे लेवल पे काम कर रही है। अब मुझे इसकी बैलेंस शीट एक बार और मुझे इसकी एनुअल रिपोर्ट एक बार और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अपना मुझे आइडिया नहीं मिला। तो अब इसको पढ़ने के बाद में एक बार उसमें और जाऊँगा फिर देख और जाऊंगा फिर देखने की कोशिश कर, फिर मैं उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लूंगा। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में आखिरी में कंक्लूजन दूंगा, क्या मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं। मैं जो करता हूँ मैं सिंपल आपके साथ शेयर करता हूँ पूरी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि मेरा मानना है कि क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही इन्वेस्टर होगे, आप भी कोई थोड़ा बहुत पता चल गया होगा मार्केट बारे में तो आप आगे होगे। लेकिन साथ मुझे आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे। और अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर जरूर जरूर काम करूँगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, तभी तो आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँगा और अपना इंडिया ग्रो करेगा। फ्रंट रैंकिंग प्रोड्यूसर हैं ये मोनोक्लोन, बात से थोड़ा भटक गया था। फ्रंट रैंकिंग प्रोड्यूसर ऑफ मोनोक्लोरो एसिटिक मैनुफैक्चर्ड बाय द साइंटिफिक क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट हैज मीट इंटरनेशनल रैंकिंग। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से बढ़िया है, अवार्ड्स भी मिले हैं, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट में ज़्यादा ध्यान इनका, इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में काम करते हैं। तो हमने देखा कि ये सारे प्रोडक्ट ही बनाते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, ये काफ़ी इसके फ्यूचर में काफ़ी डिमांड रहने वाली है, सल्फ्यूरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोजन गैस की, एल्यूमिनियम सल्फेट, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेथोक्साइड पाउडर, सोडियम मेथोक्साइड सोल्यूशन। इनके एक्सपोर्ट थोड़ा देख लीजिए, तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये हर जगह एक्सपोर्ट करते हैं। श्री रायलसीमा हाइजीन आईपो लिमिटेड इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोवाइडर ऑफ अनमैच क्वालिटी प्रोडक्ट थ्रू इज वर्ल्ड क्लास सोडियम प्रोसेस टेक्नोलॉजी डेवलप थ्रू द हाई स्किल इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट वॉज अवार्डेड बाई कैमेक्सिल फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गो डाउन टू शोकेस। अब इन्वेस्टर गैलरी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बात है।
डिटेल्स ऑफ द बिजनेस में जाते हैं। डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, अब ये मेन पॉइंट है, ये मैं अच्छा है मुझे, मैंने इसकी वेबसाइट में आ गया ना, थोड़ा सा मेरा इस कंपनी से थोड़ा सा मन हट गया था कि कहीं इसकी, क्योंकि इसमें मुझे एनुअल रिपोर्ट में ज़्यादा मुझे डेटा नहीं मिला था। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट हम ले सकते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड देखें, श्री रालसी में हाइसन एप्पल लिमिटेड जो कंपनी हमारी, वो 28 मार्च 2005 को बनाई गई थी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। द कंपनी लिस्टेड पब्लिक, ये कंपनी लिस्ट हुई थी। कंसनट्रेटिंग मैनुफैक्चरिंग केमिकल्स एंड बिलोंग टू द लीडिंग साउथ इंडियन बेस्ड टीजीबी ग्रुप। मेनली जो हमारी कंपनी है साउथ इंडिया की कंपनी है, इसका मेनली जो फोकस है, फोकस और बेस है मैनुफैक्चरिंग वो साउथ में है, इसलिए हम लोग उसे यहाँ ज़्यादा नहीं जानते। प्रमोटर, जो कंपनी के प्रमोटर प्रमोटेड बाय द श्री टी जी वेंकटेश, हु हेल फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फैमिली, ही बेस्ट ऑफ विथ रिच एक्सपीरियंस इन द आर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड सिंस इट्स इंसेप्शन ही बेस्ट ऑफ ऑल द डिवोशन एंड हार्ड वर्क एंड इंश्योर दैट कंपनी वर्क एट द ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड पोस्ट स्टेलर परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल टेक्निकल एरिया। इसको जो इनकी स्थापना करी थी वो टी जी वेंकटेश ने करी जी ने करी थी, और ये इनको काफ़ी इंडस्ट्रियल फैमिली से बिलोंग करके इनको बिजनेस की फील्ड में 3-4 डिकेड्स, मतलब 30-40 साल का इनको एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ये हमेशा कंपनी के लिए अच्छे लिए काम करते रहे हैं। मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एस आर एच एच एल इज वेस्टेड विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स, लाइक बोर्ड इज हेडेड बाय द श्री टी जी भरत, PGDCA MBA जो UPS की हैं, हु इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी वॉज लुक आफ्टर बाय टी जी भारत, एबली असिस्टेड बाय अ टीम ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल मैनेजर। द हाईली मोटिवेटेड मैनेजमेंट टीम विथ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आर कमिटेड टू द कंपनीज बिजनेस, स्ट्राइविंग फॉर इट्स ग्रोथ विथ एवरीवल परफॉर्मेंस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन, ब्रांड लीडरशिप, मार्केट इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये बता रहे हैं प्रमोटर हाईली एक्सपीरियंस है। दूसरा चीज़ हमें क्या, हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये पता चल रही है, जो मैनेजमेंट है काफ़ी हेल्दी मैनेजमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये लोग आते हैं, टी जी भरत, श्री गुरुनाथ रेड्डी, पी रामचंद्र गौड़, ए श्री कैलाश नाथ, आर त्रिवेणी, श्री कृष्णा मूर्ति। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लांट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी सिग्निफिकेंट, कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि ये इंडिया में हाइपोक्लोराइड प्लांट इज द फर्स्ट ऑफ, ये इंडिया में हाइपोक्लोराइड का प्लांट लगाने वाली पहली कंपनी है। प्रॉफिट मेकिंग, जब से कंपनी बनी तब से प्रॉफिट मेकिंग है। एडॉप्शन ऑफ सोडियम प्रोसेस इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विच इज़ कॉस्ट इफेक्शन एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव और जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। होल्डिंग 3-स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर, ये एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छे हैं, इनको 3 स्टार मिलते हैं। रीच 900 करोड़ ऑफ टर्न ओवर मार्क ड्यूरिंग द ईयर 2021, उन्हें इनका जो हाईएस्ट रेवेन्यू गया था वो 2021 में 900 करोड़ गया था। एक सक्सेसफुली सेटअप 11.25 मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर जी, रैपिड रीपेड ऑल द टर्म लोन एंड स्टूड एज अ डेफे। यही तो मुझे इन सबसे अच्छी कंपनी इसकी बात ये लग रही है, सबसे पहले तो ये पूरी तरह से हमारी डेफ फ्री कंपनी है, डेप्ट नहीं है। इनके पास 11.25 मेगावाट की विंड टर्बाइन जनरेटर, मतलब विंड टर्बाइन में भी अपने आप को मूव कर रहे हैं। इनका एक्सपोर्ट बेस काफ़ी अच्छा है, ये जब से बनी तब से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और ये हाइड्रोक्लोराइड प्लांट जो इंडिया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्लांट लगा था, वो पहली ऐसी कंपनी जिन्होंने प्लांट लगाया था। प्रोडक्ट रेंज डिटेल अंडर, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर,
मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरोसल्फोनिक एसिड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोलियम, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेथॉक्साइड, विंड पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन एंड आल्सो इन कोल ट्रेडिंग, ये कोल की ट्रेडिंग में भी आते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट आर अंडर, जिनकी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की कैपेसिटी वो लगभग 50,000 TPA है, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर की 30,000 TPA, सल्फ्यूरिक एसिड की लगभग 2.16 लाख TPA, मोनोक्लोरो एसिड की लगभग 66,000 TPA, ब्रोमीन की 65,000 kg, हाइड्रोजन गैस की लगभग ये है इनकी 64 लाख क्यूबिक मीटर, सोडियम हाइड्राइड की 720 TPA, सोडियम मेटोक्साइड की 2160 TPA है, विंड पावर जनरेशन की 11.25 MW है, थर्मल पावर कैपेसिटी इनकी, थर्मल कैप्टिव पावर प्लांट मतलब पूरी तरह से क्या जो इनकी इन हाउस है वो है इनकी 10 MW। द केमिकल प्लांट फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन गोंडी पार्ला विलेज है कर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ब्रोमीन प्लांट इज लोकेटेड इन द तिरुपोरूर अन्ना डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, विंड पावर जनरेशन इज लोकेटेड एट द उदयाथूर थेनी इन तमिलनाडु स्टेट। अब मुझे कंपनी रियल में समझ में आ रही है, अब मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट का खतरनाक मन हो रहा है। टेक्नोलॉजी जो माई कंपनी है एज डेवलप द प्रोडक्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विथ इट्स ओन इन हाउस इंडिजीनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट ऑन सोडियम प्रोसेस विच इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इन्होंने जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाने का जो फॉर्मूला है इन्होंने खुद बनाया, इन हाउस अपने देश में बनाया, जिससे इनको कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाया। द कैल्शियम हाइपोप्लान इज द फर्स्ट ऑफ इस काइंड, द प्रोडक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल कंटेनिंग क्लोरीन ऑफ 65-70%। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेल एक्सेप्टेड बाई ऑल आर इंटरनेशनल कस्टमर। मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, जो कंपनी प्लांट SRHHL प्लांट इज आइडियली लोकेटेड फॉर इट्स मार्केटिंग, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फाइन क्लोज मार्केट एट नियर बाई हैदराबाद वेयर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड, अदर प्रोडक्ट ऑल्सो फाइंड विद इन द रीच मार्केट रीच एट द मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर इंडस्ट्रियल इनपुट, द कंपनी डायरेक्टली मार्केटिंग विद दैम वेयर एवर नेसेसरी डीलर नेटवर्क इज यूज। एक्सपोर्ट कैपेसिटी इन कैपेबिलिटी देखा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को एक्सपोर्ट करते हैं, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर को एक्सपोर्ट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये एक्सपोर्ट करते हैं। द प्रोडक्ट आर एक्सपोर्टेड राउंड द ग्लोब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, हर जगह इनके प्रोडक्ट जाते हैं। ऑल आर एक्सपोर्ट ऑर्डर आर कन्वर्ट अंडर द ECGC कवरेज। टर्म लोन, द कंपनी हैज अवेल टर्म लोन ऑफ फॉर इट्स प्रोजेक्ट स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड क्लोज ऑल द टर्म लोन। कंपनी ने जितना भी लोन लिया था कंपनी ने सारा का सारा लोन पे कर दिया। टर्म लोन आउटस्टैंडिंग ऑन अकॉर्डिंग टू 31 मार्च 2022, इनके ऊपर की एक भी रुपए का इनके पास अभी कर्ज नहीं, पूरी तरह से डेब्ट फ्री है। कंपनी आल्सो अवेल इट्स वर्किंग कैपिटल लिमिट फ्रॉम असिस्टेंस एक्सटेंडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ सोल बैंकर। इससे मुझे काफ़ी इंसाइट पता चली। तो अभी हमने कहाँ से क्या देखा था, डिटेल अबाउट द बिजनेस, टॉप नॉच बिजनेस कर रहे हैं, और नीचे जाते हैं ऊपर से करते हैं, पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स नहीं, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, ये नोटिस है कोई काम नहीं, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, पार्टी रेट ट्रांजेक्शन्स,
कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन एट ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस सीबी, प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 15 रिक्वायर दैट स्टेट कंपनी टू फॉर्मुलेट एंड पब्लिश ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट अ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर फॉर फेयर डिस्क्लोजर ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इन अधेरेंस टू द प्रिंसिपल सेट आउट इन शेड्यूल एट सेट्रा रेगुलेशन. Accordingly, the code had been adopted by the board of director of Sri Tiles Himachal Limited in its meeting held in 2015 हुई थी. ये हमारे किसी काम पुराना नहीं है. इतना ये समय में पता चल रहा है कि पूरी तरह से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं. Notice to shareholders. बहुत ज़्यादा अच्छा था ये हमारे काम का नहीं है. फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं इनका 23-24. देखते हैं इसमें बहुत सारी डिटेल थी, कहीं थोड़ा नंबर एनालाइज और करने की कोशिश करते हैं कि तो सारे नंबर हैं ये लैक्स में हैं. ठीक है, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो पिछले क्वार्टर में लगभग ये कितने थे, 34-35 करोड़ का था, इस बार ये 260 करोड़ के हैं. टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो इनका जहाँ ये 455 करोड़ का थे, इस बार 261 करोड़ है. टोटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो लगभग यहाँ इस बार 123 करोड़ की है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लगभग ये 3 करोड़ के स्टॉक्स पर चीज है. प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स जो फिर भी नहीं है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहाँ ये 78 करोड़ का था, इस बार ये 32 करोड़ का हुआ है. डिविडेंड लगभग 17 करोड़ का दिया था, इस बार नहीं का है.
अर्निंग पर इक्विटी शेयर कम हुई, जहां पिछली बार ये 41 रुपीज थी, ये 14 रुपीज। इनका सेगमेंटल अगर हम देखा जाए तो सेगमेंट और इनका जो रेवेन्यू है केमिकल्स, इनका रेवेन्यू मोर और लेस कांस्टेंट ही रहा है। इधर रियल इस्टेट्स, इनका रेवेन्यू नहीं आया है। जो कोल्ड की ट्रेडिंग से जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था, इस वजह से इनका जो ट्रेडिंग से जो काम रेवेन्यू लगभग आधे से भी कम हो गया है। पावर जनरेशन से भी मोर और लेस कॉन्सेंट्रेट रहा है। टोटल रेवेन्यू देखा जाए जहाँ ये 484 करोड़ का था, अभी 285 करोड़ का है। नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए तो यही 455 करोड़ थी, 261 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में कम हुआ है। अब ये कंसोलिडेटेड लेवल पे दिखा रहे हैं, अभी तक वो स्टैंड अलोन था, अभी कंसोलिडेटेड है कि जहाँ ये लगभग 4 यानी कि 435 करोड़ था, ये 260 करोड़ है। टोटल रिवेन्यू है इस बार यहाँ 455 करोड़ था, 261 करोड़ हुआ है। ये नंबर्स ही दिए हैं यहाँ पे, नीचे अबाउट द बिजनेस कुछ और डिटेल दिए हैं। ठीक है, नंबर्स तो मैं जानता था, इसके सारे अभी भी पहले से देख चुके हैं, जो चीज़ हमने वहाँ थी वही चीज़ यहाँ पे फिर से हम जनरल रिपोर्ट में पढ़ गए। जनरल रिपोर्ट जो हम पढ़ आ चुके हैं पूरी की पूरी, हमने एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा है, बस कोई पॉइंट हमसे मिस तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कंपनी मैंने अभी जो इसकी डिटेल्स पढ़ी, जो मुझे प्रमोटर्स एकदम बढ़िया लगे, फाइनेंशियल्स से एकदम बढ़िया लगे, अपने प्रमोटर एकदम अच्छे हैं, फाइनेंशियल एकदम बढ़िया हैं। थोड़ा बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट में यानी कि फार्मास्यूटिकल में इनके केमिकल्स यूज होते हैं, तो इनके ग्रोथ का स्कोप काफ़ी है। ये है, हमने देखा कि लगभग 8-9% के CAGR से इनकी जो इंडस्ट्री है ग्रो करने वाली है, तो 9% के CAGR से भी अगर ग्रोथ आती है तो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर सकती है।
गैलरी में जाते हैं, वो सारी रिपोर्ट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये इनके कुछ प्लांट्स की फोटोज हैं, इससे मैं समझ में आ रहा है कि हाँ कंपनी के पास अच्छा मैनेजमेंट है। एक बार स्क्रीनर में हम फिर जाते हैं। एक बार ये प्राइस का फिर से चेक करते हैं। आज का प्राइस गिरा है, पिछले 5 1 दिन 1 महीने से प्राइस कम कह रहा है। आज इसने, हाँ वही तो मैंने देखा, जब मैंने इसका देखा था 1000 करोड़ के आसपास थी, 1200 करोड़, मतलब इसमें रन अप आया थोड़ा बहुत जब से मैंने एनालाइज करना शुरू किया। इसका मीडियम पीई देखा जाए तो 8 का है और अभी 15 चल रही है, इतना कुछ ओवर नहीं है। ROE ROC बढ़िया है, बुक वैल्यू 5467 की है, करंट प्राइस इतना है, डेब्ट इक्विटी से एकदम कंफर्टेबल, ये मुझे सबसे बढ़िया लग रही है। प्रमोटर भी अच्छी खासी होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग है, इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे चल रहा है, प्लेस परसेंटेज नहीं है, डेब्ट 4 करोड़ का है, रिजर्व इनके 785 करोड़ के हैं। ये यहाँ पे चेक करते हैं, पिछले 2 साल में कंपनी का प्राइस कहाँ से, 3 साल में कहाँ से क्या हो गया। 3 साल में कंपनी का प्राइस यहाँ पे लगभग 350 रुपये से लेके 750 गया, मतलब डबल हुआ है। तो क्या पिछले 3 साल कंपनी के रेवेन्यू डबल हुए हैं? 3 साल, 1 2 3 3 साल में इसका जो रेवेन्यू है ये गिरा है, लेकिन इसके जो प्राइस डबल, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन दी गई है मार्केट से, थोड़ा ओवर वैल्यू है हल्का सा। 10 ईयर का एवरेज ROE 14 है, स्टॉक प्राइस 10 ईयर का 29 है, रिजर्व्स अच्छे लेवल बढ़े हैं, बोरिंग्स अच्छे लेवल पर कम हुई हैं। तो ये सब तो हम पहले भी एनालाइज कर चुके हैं। तो हमने जो हमारी कंपनी थी श्री रॉयल सीमेंट लिमिटेड, उसकी एक एक डिटेल हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, तो उसमें थोड़ा हमने टेक्निकल्स भी देखे थे कि हमने 200 DMA और 50 DMA के पास ही ये चल रही है। और हमने फिर दूसरी वीडियो में क्या देखा था, हमने इसकी भी एनुअल रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सब पढ़ा। आज की वीडियो हमने सिर्फ पूरी वेबसाइट्स का मेन डेटा, कहा जाए तो आज की मेन वेबसाइट से ही हमको मेन इंपॉर्टेंट डेटा पता चल रहा है, क्योंकि इसने इससे मुझे सबसे बड़ी चीज़ पता चली कि इसके जो प्रमोटर हैं काफ़ी लॉयल हैं, और दूसरी चीज़ ये जो जिस सेगमेंट में काम कर रही है इसका बिजनेस क्या है ये मुझे पता चला, क्योंकि जो मुझे एनुअल रिपोर्ट से पता नहीं चल रहा था। तो छोटी कंपनी की ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, या इसके दिक्कत होती है, क्योंकि आपको इसमें एक ही डिटेल फाइंड करने में बहुत टाइम लगती है। अगर आप अभी किसी रिलायंस कंपनी की ले लो, TCS ले लो, आपको आप थोड़ा सर्च करोगे आपको एक ही डिटेल उसकी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी लोग बहुत से फंड हाउसेज इनके ऊपर अपने आप अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन छोटी कंपनी के ऊपर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है, यही तो मेन इन्वेस्टमेंट है। चाहे जितने भी बड़े इन्वेस्टर देख लो, उन्होंने जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उन सब ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मल या छोटी कंपनी में ही इन्वेस्ट करके वहाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करो। आपका रिस्क क्राइटेरिया क्या है उसको समझिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। मैं क्या है, मेरा तो मेरा अभी मेरे पास बहुत लंबा टाइम होराइजन है। मैं अभी चाहे अगर मैं गलती करता हूँ तो मेरी शायद वो गलती छोटी हो, लेकिन आप अगर आप मुझसे बहुत बड़ी एज में होगे, आप 40 50 में होगे और आपके पास फंड जाता है, तो आप उस अगर आपने वहाँ पर गलती करी तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर मैंने अभी लॉस किया, गलती करता तो मेरा लॉस होगा, तो उतना बड़ा लॉस नहीं होगा जितना शायद मैं फ्यूचर में करूँ अगर मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ। तो अब फाइनल में मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि मेरा क्या टेक इस कंपनी पर। मुझे कंपनी पर्सनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा
इसके बाद इतना वेबसाइट पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेवल पे अच्छी लगी, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी इसका प्राइस ओवर वैल्यू है। अगर मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा और गिरता हुआ दिखा और थोड़ा देखूंगा कि जो और दो चीज़ का वेट करूंगा, इसका प्राइस और गिरे और इसके जो फंडामेंटल्स हैं और जो सेल्स है वो थोड़ा और रिकवरी पे आने लगे, तो मैं इस पर इन्वेस्टमेंट की कॉल लूँगा। मेरा स्टेक इस कंपनी में क्या है, मुझे अगर आप मैं एज ए इन्वेस्टर की देखूँ तो मैं कोई बायस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो मुझे समझ आए मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप इसे कंपनी को और स्टडी करना, आपके पास अगर और भी कोई पॉइंट आपको हाथ लगे कि आप इसके बारे में कोई अच्छी डिटेल पता चले, कोई इसकी खामियां पता चले, तो आप मेरे साथ प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। और अगर आप कोई और कंपनी में स्टडी कर रहे हो या कोई और कंपनी की चाहते हो कि मैं भी उसके आपके साथ बैठ कर उसकी स्टडी करूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपके साथ ही उसकी स्टडी करूँगा, क्योंकि पढ़ते रहना है ना स्टॉक मार्केट। मेरा तो मेन टारगेट है मुझे अपना जो पोर्टफोलियो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे मुझे ग्रो करना है उसका। कभी मैं आपको उसका नंबर भी आपको बताऊंगा, अभी तो वो अनरियलिस्टिक लगेगा कि इतना छोटा लड़का, 17 साल का लड़का इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे सोच रहा है, लेकिन एक दिन ज़रूर करेंगे। तो मैं ही जो आपको मैंने अब क्या है कि मैं अभी इसमें सिंपल से ही करना, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, सारे स्टॉक अभी भाग रहे हैं, तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। मुझे कंपनी बढ़िया लगी, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, इसके फाइनेंशियल्स भी बढ़िया हैं, प्रमोटर बढ़िया हैं, बिजनेस अच्छा करती हैं। थोड़ा डिटेल कम मिली थी जो आप इसको पढ़ने के बाद हमको और पता चल गया, तो इसमें मैं यही तो स्टेक करने वाला हूँ कि मैं इसका थोड़ा प्राइस गिरने का वेट करूँगा और इसकी सेल्स में थोड़ी सी रिकवरी देखूँ, क्योंकि पिछले 3 साल से इसकी सेल्स गिरी हुई है। अगर जैसी इस क्वार्टर अगर इस साल इसकी जो सेल्स बढ़ती हुई आ गई तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कॉल ले सकता हूँ, लेकिन किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपका जो मन में आप वो करिएगा, और कोई और कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, मैं उसमें आपके अपने अपनी इनसाइट तो आपको बता ही दूंगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो और आपको लगे कि अंकित मेरी मदद कर सकता है, तो आप मुझे लिंक्डइन पर जरूर रीच करना, मैं आपको श्योर उस पर हेल्प करूंगा, या आप मुझे यूट्यूब कमेंट पर ही आप मुझे बोल देना कि आपको क्या दिक्कत है, तो मैं उससे वीडियो बना के या आपके आपसे साथ पर्सनली कनेक्ट करके मैं उस आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितना मेरे पास नॉलेज है। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगती है, क्योंकि अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हो तो आप समझ पाओगे कि इन्वेस्टमेंट एक नॉर्मल ऐसा खेल नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़े होते हैं, क्योंकि इसमें सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो वीडियो यहीं तक, और तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर से लाइक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।